नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, पेड़ पौधे जड़ी बूटियों में इतनी ताकत होती है कि अगर इनका प्रयोग पूरे विधि के साथ किया जाए तो आदमी की किस्मत रातों रात बदल सकती है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप जो भी प्रयोग करें उसे पूर्ण विश्वास और इच्छा शक्ति के साथ करें तो तुरंत ही आपको उसका असर देखने को मिलने लगेगा। आज के वीडियो में हम आपको बांदा के वृक्ष के बारे में बताएंगे। किसी पेड़ पर लगे दूसरे पेड़ को बांदा कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पेड़ पर कोई दूसरा पेड़ लग जाता है तो उसे ही बांदा कहा जाता है। या यूं कहें कि वह वृक्ष जो धरती पर न उग करके किसी दूसरे वृक्ष के ऊपर उगते हैं उसे बांदा कहा जाता है। जैसे कि पीपल के बांदे, बेर के बांदे, गूलर के बांदे आदि। अलग अलग पेड़ के बांदे के अलग अलग फायदे भी होते हैं, तो आपको इस चमत्कारी फायदे के बारे में आज हम बताएंगे। इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, शास्त्रों में यह बताया जाता है कि अगर अश्विनी नक्षत्र में बेल का बांदा ला करके अगर आप पूजा करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, अश्विनी नक्षत्र में, ध्यान से सुनिएगा, अश्विनी नक्षत्र में अगर आप बेल का बांदा ला करके उसकी पूजा करते हैं और साथ ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, इसको धारण कर लेते हैं, इस बांदे को अगर आप धारण किया जाए तो इंसान अपने इच्छा अनुसार खुद की तरक्की के रास्ते को आगे ले जा सकता है। उसकी जो भी इच्छाएं हैं वह जरूर पूरी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर भरणी नक्षत्र में अगर आप बांदे को विधिवत पूजा करके हाथ में धारण करते हैं तो मनुष्य की सारी मनोकामना पूर्ण होती जाती है। कुश का जो बांदा होता है, कुश का बांदा ला करके घर में रखते हैं तो धन की उत्पत्ति अपने आप होती चली जाती है और घर में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं होती है। अगर रोहिणी नक्षत्र, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है, रोहिणी नक्षत्र में गूलर का जो बांदा होता है उसे घर में ला कर अगर आप स्थापित कर दिया जाए तो घर में धन की हमेशा बढ़ोतरी होती चली जाती है। घर में धीरे धीरे सौभाग्य बढ़ते चले जाते है और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दोस्तों, उपाय बहुत छोटे छोटे से होते हैं लेकिन इसके जो असर है बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। हमको लगता है कि क्या इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हर एक पेड़ पौधे की अपनी खासियत होती है और अपना एक प्रभाव होता है। बस आपको सही चीज़ को सही जगह पर रखना होता है, उससे ही आपको हर समस्या का समाधान मिलता चला जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। आपको इसी तरह की जानकारी, इसी तरह का मार्गदर्शन अगर आगे भी मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि पास वाला जो बेल आइकन है और वो दबा देंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन सिर्फ आपको ही मिलेगा और आप मेरे चैनल में जाकर के आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।